अस्सलामुअलैकुम, मैं इस वक्त सर जकीउल्लाह लगन के साथ मौजूद हूँ। आज मैं उनसे कुछ सवाल करना चाह रही हूँ। तो सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट्स जो हैं वो मुतासिर हुई हैं और कई ममालिक में फ़्लाइट्स का जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा तब्दील हुआ है, तो बच्चे किर्गिस्तान जा रहे हैं, तो उनका जो फ़्लाइट्स का शेड्यूल है क्या वो वैसे ही है जैसे पिछले सालों में जाती रही हैं या अब कुछ तब्दीलियाँ आई हैं इस फ़्लाइट्स के? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कि ये बड़ा अहम सवाल था जो उन वालदैन तक और स्टूडेंट्स तक पहुंचना ज़रूरी था कि जो इस दफ़ा जिन्होंने MBBS प्रोग्राम में किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया है और अब उस मरहले में हम दाखिल हो गए हैं कि जहां इन स्टूडेंट्स को वहां पहुंचना है। आपको मैं अर्ज़ कर दूं कि इससे पहले जो प्रैक्टिस चल रहा था वो तो ये था कि उज़्बक एयरवेज़ लाहौर से ऑपरेट होती थी और वो पहले ताशकंद जाती थी, 1 घंटा 50 मिनट या 2 घंटे की फ़्लाइट थी। तो ताशकंद में फिर स्टूडेंट्स को कुछ स्टे करना पड़ता था, कभी 5 घंटे रुकना पड़ता था, कभी 8 घंटे तक रुकना पड़ता था। फिर उसके बाद आगे 40 मिनट की फ़्लाइट थी ताशकंद से बिश्केक तक की। तो ये इस तरह से बच्चों को शायद 12-14 घंटे लग जाते थे सफ़र में। जो दूसरा फ़्लाई दुबई था, फ़्लाई दुबई जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ऑपरेट हो रही थी, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, पिशावर, इन शहरों से। तो वो पहले दुबई जाती 3.5 घंटे और फिर वहाँ से आगे 3.5 घंटे बिश्केक के लिए जाते और दुबई में बाज़ दफ़ा उन्हें स्टे करना पड़ जाता था। अब इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि ये स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है, एक खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि एक तो PIA ने इस्लामाबाद से बिश्केक अपनी फ़्लाइट का आगाज़ कर दिया है कि अब इस्लामाबाद से फ़्लाइट सिर्फ 2 घंटे की है जो बिश्केक बच्चों को ले जाया करेगी किर्गिस्तान। और सेकंडली ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चूँकि पहले के निस्बत ज़्यादा हुए हैं। लास्ट टाइम हमारी कंपनी जो अरसल एजुकेशनल सर्विसेज है, इसके स्टूडेंट कभी 50 जा रहे थे, कभी 40 जा रहे थे, कभी 30 जा रहे थे, इस तरह से था। अब इस सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ हुई है कि अब हम अपनी चार्टर्ड फ़्लाइट लेके जा रहे हैं, यानी कि हमारी 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, ओश इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी और ओश स्टेट यूनिवर्सिटी, साइंटिफिक रिसर्च मेडिकल सोशल इंस्टीट्यूट। तो हमारी अपनी इन 4 यूनिवर्सिटीज़ में अब तक जो है वो 300 के करीब एडमिशन हो चुके हैं, जबकि जो चार्टर्ड फ़्लाइट है उसमें सिर्फ 170 लोगों के बैठने की गुंजाइश होती है। तो हमारे तो अपनी चार्टर्ड फ़्लाइटें इंशाल्लाह इस दफ़ा शायद 3 से 4 जाएंगी किर्गिस्तान में। तो लिहाजा जो बच्चे जा रहे हैं अब वो हम अगर लाहौर से वो चार्टर्ड फ़्लाइट लेकर जाते हैं तो 2 घंटे में ये बच्चे ओश पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, और अगर ये PIA की फ़्लाइट अवेल करते हैं तो इस्लामाबाद से 2 घंटे में ये बिश्केक पहुंच जाएंगे। तो ये पहले की निस्बत आसान हो गया जी, बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया सर।